मॉर्निंग टी हो या आफ्टरनून बियर, ड्रिंक्स हमारी डेली रूटीन का एक एसेंशियल हिस्सा है। इस रूटीन को एक्साइटिंग बनाने के लिए नेटसार आपके लिए लाए हैं दुनिया भर की सबसे मशहूर ड्रिंक्स। इस वीडियो में हम आपको कई देशों की नेशनल अल्कोहलिक ड्रिंक्स और पॉपुलर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। चलिए शुरू करते हैं जर्मनी से, जो दुनिया भर में अपनी हॉपी फ्लेवर वाली बियर के लिए मशहूर है। यहाँ के फेमस ऑक्टोबर फेस्ट ने जर्मन बियर को इंटरनेशनली लोकप्रिय बनाने में मदद की है। जर्मनी में बिकने के लिए हर बियर को जर्मन बियर प्योरिटी लॉ फॉलो करना आवश्यक है। नॉन अल्कोहलिक ड्रिंकर्स जर्मनी में इन्वेंट की गई फैंटा की ओर रुख करें। इस फ्रूटी ड्रिंक का आविष्कार नाजी जर्मनी में वर्ल्ड वॉर टू के दौरान हुआ था, जब कोको कोला के इंग्रेडिएंट्स जर्मनी में लाना मुश्किल हो रहा था। फिर जर्मन इंग्रेडिएंट्स के साथ बन सकने वाली फैंटा का जन्म हुआ। ब्राजील की नेशनल कॉकटेल है जेस्टी कापराना, जो कि रम जैसी लिकर काशा, शक्कर और लाइम से मिलकर बनती है। यह काशा लिकर गन्ने के जूस को फर्मेंट करके बनाई जाती है। ब्राजील में इसे कई नाम से पुकारा जाता है, हार्ट ओपनर, आई वॉश, टाइगर ब्रेथ, यहाँ तक कि होली वाटर भी। आइए चलें ताइवान की फेमस मिल्की बेवरेज बबल टी की ओर। इस स्वीट बेवरेज को बोबा टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें टापियोका यानी साबुदाने के पर्ल्स अर्थात बोबा पर्ल्स डाले जाते हैं और इसे एक थिकर स्ट्रॉ से सिप किया जाता है। यंगस्टर्स के बीच यह ड्रिंक काफी फेमस है। आइसलैंड की नेशनल ड्रिंक है ब्रेनविन। ब्रेनविन का मतलब है बर्निंग वाइन। इसे कभी कभी ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। हर्ब से बनी यह लिकर में कैरोवे, क्यूमिन और एंजेलिका का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेनविन आइसलैंड की प्राइड और टफनेस का प्रतीक बन चुकी है। प्यूर्टो रिको में फेमस है पीना कोलाडा। यह एक फ्लेक्सिबल फ्रूट ड्रिंक है। पीना कोलाडा का वास्तविक मतलब है स्ट्रेन्ड पाइनएप्पल। इसे रम, पाइनएप्पल जूस, कोकोनट क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क मिलाकर बनाया जाता है। जापान में फेमस साके एक ड्राई लिकर है। वोडका से लाइट और वाइन से स्ट्रॉन्ग साके चावल से बनाई जाती है। साके उन रेयर ड्रिंक्स में से है जिसे गर्म या ठंडा या इन दोनों के बीच किसी भी टेम्परेचर पे सर्व किया जा सकता है। चलते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन इथियोपिया की फेमस कॉफी की ओर। हालांकि न्यूयॉर्क को मॉडर्न कॉफी कल्चर का किंग माना जाता है, लेकिन कॉफी के जन्म स्थल की तरह मशहूर इथियोपिया का कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पर एक कहावत है, बुनो डाबो नो, जिसका मतलब है कॉफी हमारी ब्रेड है। आयरलैंड की प्रसिद्ध ड्रिंक्स गिनीज का नाम आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सुना ही होगा। यह दुनिया की फाइनेस्ट बियर्स में से एक मानी जाती है और कहते हैं कि यह हार्ट के लिए काफी अच्छी होती है। ऐसा मानते हैं कि गिनीज का एक परफेक्ट पाइंट को पोर करने के लिए 119.5 सेकंड्स लगते हैं। हमारी नेक्स्ट फेमस ड्रिंक ऑफ द वर्ल्ड हमें मिलती है ऑस्ट्रिया से। जी हाँ, वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक रेड बुल ऑस्ट्रिया का उत्पाद है। हालांकि रेड बुल के रूट्स थाईलैंड में हैं, लेकिन मॉडर्न रेड बुल का निर्माण ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहते हैं रेड बुल सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि माइंड को भी शार्प रखती है। आपको जान के हैरानी होगी कि रेड बुल का एक स्पेशल फॉर्मूला 1 वर्जन है, जो सिर्फ F1 VIPs को ही उपलब्ध कराया जाता है। साउथ कोरिया की न्यूट्रल टेस्टिंग अल्कोहलिक सोजो है हमारी नेक्स्ट फेमस ड्रिंक। सोजो वोडका का स्वीटर वर्जन है और इसमें अल्कोहल कंटेंट भी काफी कम होता है। इसके कई सारे फ्लेवर्स आते हैं, जैसे पीच, ग्रीन ग्रेप्स इत्यादि। 2006 में ऐसा पाया गया था कि हर अडल्ट कोरियन ऑलमोस्ट 90 सोजो की बॉटल्स एक साल में पी जाता है।
चलिए बात करते हैं इंडोनेशिया की डेजर्ट ड्रिंक सिडोल की। इस आइस बेस्ड ड्रिंक में ग्रीन जेली के साथ साथ कोकोनट मिल्क और पाम शुगर सिरप डाला जाता है। यहाँ तक कि मलेशिया में भी इसे मलेशियन हेरिटेज फूड डिक्लेयर किया गया है। स्पेन की फेमस फ्रूटी ड्रिंक सांग्रिया है हमारी नेक्स्ट फ्लेक्सिबल बेवरेज। इसे ट्रेडिशनली रेड वाइन के साथ बनाया जाता है, लेकिन इसका नॉन अल्कोहलिक वर्जन एक लंच टाइम बेवरेज की तरह काफी प्रसिद्ध है। इसमें फ्रूट जूस के साथ काफी सारे फ्रूट्स जैसे ऑरेंजेस, लेमन्स, एप्पल्स, रास्पबेरीज और स्ट्रॉबेरीज डाली जाती हैं, जो इस पंच को एक हॉट समर डे के लिए एक परफेक्ट ड्रिंक बनाती हैं। स्कॉटलैंड की फेमस मॉल्टी अल्कोहल स्कॉच हमारी नेक्स्ट वर्ल्ड फेमस ड्रिंक है। क्या आप जानते हैं कि स्कॉटलैंड में बनी विस्की ही स्कॉच कहलाई जा सकती है? जिस प्रकार अमेरिका में बनाई विस्की को बर्बन कहा जाता है, लेकिन आपको यह बिल्कुल नहीं मालूम होगा कि आज की तारीख में स्कॉटलैंड में लोगों से ज्यादा विस्की को एज करने वाले बैरल्स हैं। थाई टी का नाम तो आपने सुना ही होगा, मे बी इसलिए क्योंकि यह मिल्की ड्रिंक थाईलैंड की सर्वश्रेष्ठ बेवरेज है। ब्लैक सिलोन टी और कंडेंस मिल्क से बनी यह आइस्ड टी काफी मीठी होती है। इसका मॉडर्न वर्जन कभी कभी साबुदाना यानी टैपियोका पर्ल्स के साथ सर्व किया जाता है। आपको यह तो पता ही होगा कि मेक्सिको अपनी कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स वाली ड्रिंक टकीला के लिए दुनिया भर में फेमस है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टकीला कहलाए जाने के लिए लिकर को ऑफिशियल मेक्सिकन स्टैंडर्ड्स मीट करना जरूरी है? ब्लू अगेव प्लांट से बनी यह ड्रिंक सिर्फ मेक्सिको में बनती है, लेकिन थैंक्स टू एक्सपोर्ट्स आपको इसे टेस्ट करने के लिए मेक्सिको नहीं जाना पड़ेगा। इतनी सारी वर्ल्ड फेमस ड्रिंक्स को जानने के बाद हम इंडिया की मशहूर मसाला चाय को कैसे भूल सकते हैं? हालांकि पर्शिया में चाय की शुरुआत हुई थी, लेकिन इंडिया में अदरक और इलायची जैसे मसालों से इसे स्पेशल ट्रीटमेंट देकर मसाला चाय का नाम दिया गया है। इसके वेस्टर्न वर्जन चाय लाते और असली मसाला चाय का कोई मुकाबला नहीं है। इसके साथ हमारी आज की यह वीडियो की समाप्ति बहुत करीब है, लेकिन जाने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आप और कौन सी ड्रिंक्स को इस लिस्ट में शामिल करना चाहेंगे।